वहीं पटना से खबर आ रही है जहां छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीपीएससी एग्जाम पैटर्न में बदलाव का विरोध छात्र कर रहे थे। प्री रिजल्ट में परसेंटाइल सिस्टम का विरोध छात्र कर रहे थे और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर छात्र आज इकट्ठा हुए, लेकिन एक बार फिर से पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी थी जब छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये अभ्यर्थी सड़कों पर थे, अपनी मांग को लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर विरोध जता रहे थे, लेकिन इस विरोध के बदले उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। और इससे कुछ दिन पहले भी हमने टीईटी अभ्यर्थियों पर जो लाठियां बरसाई गई थी वो तस्वीरें भी देखी थी कि एडीएम ने कितनी बेरहमी से एक छात्र को पीटा था, वो भी तब जब उसके हाथ में तिरंगा था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक आज की तस्वीर, एक 22 अगस्त की तस्वीर। इन दोनों ही तस्वीरों में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन अपनी मांगों का को सामने रखना लाठी पड़ने का कारण बन रहा है। पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है। छात्रों की भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल बिहार पुलिस की तरफ से छात्रों पर किया जा रहा है। नीतीश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। लगातार इसी किस्म की तस्वीरें हम देख रहे हैं पटना से आती हुई। 22 तारीख को एक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज, आज एक बार फिर दूसरे इम्तिहान को लेकर घमासान, क्या हो रहा है नीतीश? जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर ये तस्वीर देखने को मिली है सौरभ, और छात्रों पर जबरदस्त लाठी चार्ज किया गया, उन्हें खदेड़ा गया। और ये दरअसल बीपीएससी 67वीं जो पीटी की परीक्षा है जो 20 और 22 सितंबर को हो रही है, इस बार दो बार परीक्षा लेने की बात कही गई है, और इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीपीएससी ऑफिस का घेराव भी छात्र करने गए थे, वहाँ पर उनको एक भरोसा दिया गया कि इस पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो परसेंटाइल टेक्निक है उसका इस बार कहा जा रहा है कि इस्तेमाल होगा रिजल्ट में, तो यानी परीक्षा का जो पैटर्न उसका छात्र विरोध कर रहे हैं बीपीएससी पीटी की परीक्षा का। और इसी बात को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, उनकी जबरदस्त पिटाई की गई है। और इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी किस तरह से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों को पीटा था डाक बंगला चौराहे पर। उस मामले में एक रिपोर्ट आनी थी और यह कहा गया जो एडीएम लॉ ऑर्डर हैं उनकी तरफ से कि हमें 5 दिन का समय और चाहिए, वो 5 दिन भी बीत गया है, रिपोर्ट नहीं आई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर से जो तस्वीर आई है वो बिल्कुल छात्रों के लिए काफ़ी परेशानी वाली तस्वीर है, क्योंकि छात्र लगातार जो मांग कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। जी नीतीश, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। लेकिन चिंताजनक स्थिति है और इस तरीके से सड़कों पर छात्रों का पीटा जाना और बार बार उसकी तस्वीरें आना, ये सरकार के लिए कोई अच्छी छवि नहीं दिखाती। कुछ और तस्वीरें आ रही है, आप देखिए सड़कों पर ये अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, और इन्होंने जब इम्तिहान का पैटर्न जो है चेंज किया गया है उसके खिलाफ ये लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो इन पर लाठी चलाई गई। पुलिस वालों के साथ बहस हो रही है इन अभ्यर्थियों की, इन छात्रों की, हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस वालों के सामने, जमीन पर बैठे हुए हैं, देखिए तिरंगा हाथ में लेकर। तो पहले तो ये सब चलता रहा और फिर पुलिस ने इनको उठाने के लिए फिर बाद में बल प्रयोग किया और इन पर लाठी चार्ज किया। इनमें आप देखेंगे कई लड़कियां भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।